रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के लिए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइली जेमिसन को अपनी टीम में शामिल किया है। 6 फुट 5 इंच लंबे इस पेशर ने अपनी रफ्तार से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया है। उन्होंने अपने पहले 6 टेस्ट मैचों में 36 विकेट अपने नाम किए। जेमिसन पहली बार IPL में चुने गए हैं। अपने लंबे कद की वजह से वो काफी उछाल भी हासिल कर सकते हैं। बैंगलोर की टीम जो अक्सर अपनी गेंदबाजों को लेकर चिंता में रहती है, उनके लिए जेमिसन काफी उपयोगी साबित हुए। इसके साथ ही वो शानदार यॉर्कर फेंक सकते हैं। ऐसी एक यॉर्कर पर उन्होंने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज कुणाल पांड्या को परेशान किया। IPL 2021 के पहले मैच में जेमिसन ने ऐसी सटीक और तेज यॉर्कर फेंकी कि पांड्या का पल्ला हत्थे से उखड़ गया। गेंद सटीक विकेट की लाइन में थी और ऐसे में पांड्या लगी रहे कि अपना विकेट बचा सके। मुंबई इंडियंस की पारी का 19वां ओवर चल रहा था। ओवर की तीसरी गेंद पर जेमिसन ने बिल्कुल विकेटों में यॉर्कर फेंकी। कुणाल ने बल्ला लगाया लेकिन उसका हैंडल उनके हाथ में रहा और बाकी हिस्सा हवा में उछल कर नीचे गिरा। कुणाल लकी रहे कि वो बैट विकेटों में जाकर नहीं लगा। हालांकि बैट का बाकी हिस्सा कायम रहा लेकिन पांड्या हैरानी से बल्ले के हैंडल को देखते रहे। इससे पहले विराट कोहली ने टॉस जीतकर चेन्नई के चिन्नास्वामी मैदान पर लंबे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स से ट्रेड करके लाए गए मीडियम पेसर हर्षल पटेल ने दमदार खेल दिखाया। उन्होंने शानदार गति परिवर्तन किया और मुंबई के बल्लेबाजों को खूब छकाया। पटेल ने 5 विकेट लिए। वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बने। मुंबई ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर और जेमिसन ने 1-1 विकेट लिया। मुंबई के लिए सलामी बल्लेबाज क्रिस लिन ने सबसे ज्यादा 49 रन की पारी खेली। खैर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।